मेरा नाम अपूर्व है और वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग मेरी हॉबी। मैं दिल्ली में रहता हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है इस शहर की भीड़ भाड़ से दूर नेचर और वाइल्ड लाइफ में वीडियोस बनाने निकल जाता हूँ। मैं अब अपने पैशन को एक स्टेप और आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग और उससे रिलेटेड ट्रैवल वीडियोस को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो लेट्स वॉक इनटू द वाइल्ड। पिछले साल यानी 2022 के मार्च में मैंने अपनी गाड़ी में फर्स्ट कार कैंपिंग किया था और उसका एक वीडियो भी बनाया था जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने कैंपिंग के बारे में कोई भी डिटेल नहीं बताया था क्योंकि मेरे लिए भी वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मैंने वो वीडियो एक एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव से शूट किया था। उस वीडियो को हजारों लोगों ने देखा और अपना प्यार दिया। तो आज 10 महीने बाद मैं फिर से सेम लोकेशन पे जा रहा हूँ जहाँ से मैंने अपने कार कैंपिंग को स्टार्ट किया था। तो मैं अभी हूँ सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो राजस्थान में है और ये वही जगह है जहाँ मैंने अपना फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कैंपिंग एक्सपीरियंस किया था, वो भी सेफली। ये लोकेशन है तो मेन रोड के पास लेकिन वाइल्ड लाइफ से घिरा हुआ है, जहाँ इसके दो तरफ पहाड़ हैं और यहाँ एक छोटी सी नदी भी बहती है। लास्ट टाइम हम अपनी गाड़ी में ही सोए थे लेकिन इस बार हम करने वाले हैं लग्जरी कैंपिंग, मतलब हम रहने वाले हैं एक बड़े से घर जैसे टेंट में। ये लोकेशन वाइल्ड लाइफ से घिरा हुआ है। अभी पहले कुछ खाने का बनाते हैं। और ये बर्ड है व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर। वैसे तो ये बर्ड है बहुत कॉमन लेकिन ये इतना कलरफुल और सुंदर है कि हर बार इसको देखना अच्छा लगता है। तो खाने में हम बना रहे हैं वेजिटेबल राइस। आई गेस लास्ट टाइम भी जब हमने यहाँ कैंपिंग की थी तो ऐसे ही कुछ बनाया था। इस कैंपिंग लोकेशन पे ये बंदर बहुत एक्टिव है लेकिन इनसे कैंपिंग करते टाइम कोई दिक्कत नहीं होती। इतने ब्यूटीफुल लोकेशन पे खुद बना के खाने का अपना ही मजा है और जब तक राइस बन के तैयार होता है तब तक मैं कुछ इंटरेस्टिंग शूट करने की कोशिश करता हूं। ये है पाइड किंगफिशर और ये इतनी आसानी से दिल्ली में नहीं दिखता लेकिन यहाँ पे इजीली दिख जाता है क्योंकि यहाँ फिशिंग के लिए ये बेस्ट लोकेशन है। इस किंगफिशर के मछली पकड़ने का तरीका बहुत अनोखा है और मैं कोशिश करूंगा कि वो शूट कर पाऊं। ये है रेडी टू ईट दाल जिसको बनाने में बस 2 मिनट लगे। ये लोकेशन दिल्ली से बस 170 किलोमीटर दूर है और आपको इतना सेफ एंड ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा कैंपिंग के लिए। ये है एनी और ये इस पूरे कैंपिंग लोकेशन को गार्ड करती है स्पेशली बंदरों से।
तो लंच में हमने बनाया है अनियन रायता, दाल मखनी और वेजिटेबल राइस। लंच करने के बाद अब टाइम है आपको मिलवाने का इस प्रॉपर्टी के ओनर से, लेकिन ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। खमागणी, मेरा नाम नितिन सिंह तवर है, मैं MD हूँ तवर ग्रुप ऑफ होटल्स का, और आज हम है बारा कैंप। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है जो सरिस्का टाइगर रिजर्व के एज पर सिचुएटेड है, जो करीबन दिल्ली से 160 किलोमीटर है और अलवर सिटी से 18 किलोमीटर है टूवर्ड्स गेट नंबर 1 सरिस्का टाइगर रिजर्व। सो ये जो प्रॉपर्टी है बेसिकली सरिस्का टाइगर रिजर्व के एज पर होने के कारण से यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है इट इज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ में रिच है। यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मड फ्लैप टर्टल्स देखने को मिल जाते हैं, क्रोकोडाइल्स देखने को मिल जाते हैं, साथ में लंगू मंकीज, और इन मंथ के जो विंटर्स मंथ होते हैं इस टाइम में आपको माइग्रेटिंग बर्ड भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप साइट कर सकते हैं। कई बार बिकॉज ये सरिस्का टाइगर रिजर्व के एज पर है तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि यहाँ पर लेपर्ड्स की काफ़ी अच्छी साइटिंग डे टाइम में भी होती है और लेट इवनिंग भी होती है। नितिन से मैं अपने लास्ट कैंपिंग में मिला था और उनसे बात करके पता चला कि वो भी वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट और फोटोग्राफर हैं, एंड बारा कैंप इनका एक इनिशिएटिव है लोगों को नेचर और वाइल्ड लाइफ से जोड़ने का With a reasonable price. सो ये बारा कैंप जो है सर, ये बेसिकली रिवर साइड कैंपिंग फार्म और गार्डन रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर हमारे पास बेसिकली सर दो कैटेगरी के कैंप्स अवेलेबल हैं। पहला है बैकपैकिंग कैंप, विच इज़ बेसिकली जस्ट अ स्लीपिंग कैंप, जिस जो 3% कैंप होता है डिकैथलॉन का, जिसके अंदर हम कंफर्टेबल बेडिंग करते हैं और कंफर्टेबली दो लोगों को हम अलाउ करते हैं स्लीप करने के लिए, ताकि वो कंफर्टेबली उसके अंदर सो सके। सेकंड कैटेगरी जो है हमारी है सर ग्लैम्पिंग कैंप। सो ये जो ग्लैम्पिंग कैंप है बेसिकली 13 feet by 13 feet एरिया साइज के अंदर होता है, 9 feet इसकी हाइट होती है। सो इसके अंदर हम आपको प्रॉपर बेडिंग बेड्स पे बेडिंग करके देते हैं, जो प्रॉपर आपको होटल के अंदर बेडिंग मिलती है, साथ में इसके अंदर टेबल चेयर्स का सेटअप मिलता है, साइड टेबल्स रहती हैं। सो ये प्रॉपर एक आपको ग्लैम्पिंग एक्सपीरियंस देता है, और सबसे खास बात इस कैंप की क्या है कि इसके अंदर आपको मूव करने का स्पेस मिल जाता है। डबल लेयर का ये टेंट है, माइनस डिग्री टेम्परेचर में ये वर्क करता है, सो ठंड से आपको पूरा पूरा बचा के रखता है। सेकेंडली जो हम रजाइयाँ देते हैं वो बेसिकली ऑर्डिनरी रजाइयाँ नहीं है, वो देसी रुई की रजाइयाँ, जो गाँव में जो खेतों में जो सर्दियों के टाइम में लोग सोते हैं वो देसी रुई की रजाइयाँ लेके सोते हैं, ताकि वो गर्माहट बनी रहे। सो हम उसी तरह की रजाई जो है इसमें यूज़ करते हैं, ताकि आपको जो है ठंड ना लगे। सो ये हमारी सेकेंड कैटेगरी है। इसके अलावा हमारे पास बारबेक्यू अवेलेबल है, बारबेक्यू का सेटअप अवेलेबल है, बॉनफायर अवेलेबल है, और सेल्फ कुकिंग सेटअप्स भी अवेलेबल है, क्योंकि यूजुअली कैंपिंग के टाइम पर लोग क्या सेल्फ कुक करना बहुत प्रेफर करते हैं। सो हमारे पास उस तरह के सेटअप्स भी अवेलेबल हैं, और साथ में यहाँ पर काफ़ी लोग जो यहाँ पर ट्रैवल करके आते हैं खुद की कार के साथ ट्रैवल करके आते हैं, और हम उनके लिए स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो अपनी कार के अंदर कैंपिंग कर सकें और इस जो व्यू है इसका मज़ा ले सकें। सो उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं कि प्राइवेट स्पेस उनको देते हैं, हम उनको वॉशरूम का एक्सेस देते हैं, हम उनको जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे हम उनको हेल्प कराते हैं, सॉकेट्स हम उनको इलेक्ट्रिक सॉकेट्स हम देते हैं। तो हमारी तरफ से पूरा का पूरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ साथ बाकी की जो चीज़ें जो गेस्ट को चाहिए होती हैं हम सारी की सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पर आप अपनी खुद की कार लेके या फिर वैन लेके यहाँ पर आके अपना कैंपिंग कर सकते हो, इवन आप यहाँ पर सेल्फ कैंप भी अपना पिच कर सकते हो। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको हमारा ही कैंप लेना पड़ेगा, सो आप अपना खुद का भी लाके यहाँ पर आराम से कैंप पिच करके अपना कार लाके अपना वैन लाके इस व्यू का मजा ले सकते हो, और असली जो ब्यूटी है सरिस्का टाइगर रिजर्व की वो एंजॉय कर सकते हो। तो जैसा नितिन ने बताया कि यहाँ पे क्रोकोडाइल एंड टर्टल्स दिखते हैं, तो बस हम निकल गए बारा कैंप के पीछे नदी की तरफ उन्हें देखने के लिए। एंड लकीली हमें अपने दोनों सब्जेक्ट्स दिख गए। और फिर वहां से वापस आने के बाद अब टाइम है रिलैक्स करने का और अपने कैंप से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने का। तो ये है पाइड किंगफिशर के मछली पकड़ने का तरीका। ये एक परफेक्ट जगह है वाइल्ड लाइफ एंड नेचर लवर्स के लिए। आप अपने कैंप में ही बैठ के इन सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स को दिन भर देख सकते हैं। ये है पर्पल हेरॉन। हेरॉन की इंडिया में 9 या उससे ज्यादा प्रजाति पाई जाती है, और ये सब मछली, मेंढक और पानी में रहने वाले छोटे बड़े जीवों का शिकार करके खाते हैं। तो नदी के सामने बैठ के फोटोग्राफी एंड रिलैक्स करने के बाद अब अपने कैंप को एंजॉय करने का टाइम आ गया है।
ये टेंट घर में एक रूम के जितने साइज का है। और सर इसका टाइगर रिजर्व के इतने पास वाइल्ड में आपको घर जैसी फैसिलिटी में कैंपिंग करने का मौका मिले तो क्या ही बात है। अंधेरा होने वाला है और टाइम है बॉनफायर एंड अच्छे से डिनर का। कल मॉर्निंग में हमारा चेकआउट भी है और जाते जाते देखते हैं और क्या शूट करने को मिलता है। तो अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और काफी तेज हवा चल रही है और ठंड भी है, लेकिन वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी के लिए मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट होता है। और शुरू हो गया सुबह सुबह पाइड किंगफिशर का शिकार। ये किंगफिशर हवा में एक ही जगह उड़ता रहता है और पानी के अंदर के मछलियों को ऊपर से देखता है। एक बार इसे कोई भी फिश दिख जाए तो ये डाइव मार के उसको पकड़ लेता है, लेकिन ये सब शूट करना इतना इजी नहीं है क्योंकि ये बहुत तेज होते हैं। तो ये था मेरा इस सेफ एंड सिक्योर प्लेस पे घर जैसे फैसिलिटी के साथ वाइल्ड लाइफ में कैंपिंग का एक्सपीरियंस। अगर आपको ऐसे ही वाइल्ड लाइफ के वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको और भी अलग अलग जगह की सैर करा सकूं।